नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। वो करीब 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं हर दिन। रोनाल्डो और राफेल नडाल जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स उनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। पर क्या आप बिलीव करोगे कि जिसने नाइकी को बिल्ड किया वो खुद एक फेल्ड एथलीट था, और उसने अपने बिजनेस की शुरुआत अपनी कार की डिक्की से शूज बेचने से की थी। ये कहानी है नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की। फिल नाइट का बर्थ 1938 में हुआ था अमेरिका के पोर्टलैंड नाम के एक स्मॉल टाउन में। बचपन से ही वो काफी तेज दौड़ते थे और उनकी लाइफ का अल्टीमेट ड्रीम था एक ग्रेट एथलीट बनना। स्कूल और कॉलेज में उन्होंने अपनी रनिंग पे बहुत काम किया और कई रेसेस जीती। रनिंग के साथ साथ फिल ने अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखी और 1962 में उन्होंने MBA कंप्लीट कर लिया। वो अभी भी रनिंग कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन एक सुबह अपनी प्रैक्टिस रन के दौरान उनका रियलिटी से सामना हुआ। अपना पूरा यूथ रनिंग को डेडिकेट करने के बाद वो अपने स्टेट के तो वन ऑफ द बेस्ट एथलीट बन चुके थे, लेकिन वो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल एथलीट नहीं बन पाए थे। सैडली ही वॉज गुड बट नॉट ग्रेट। वो अब 24 साल के हो चुके थे और अब एथलेटिक्स में और बेटर होने का कोई स्कोप नहीं था। इसीलिए उस सुबह बहुत ही दुखी मन से फिल ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये उनके एथलेटिक करियर का एंड है। एक इलीट एथलीट बनने के अपने सपने में वो फेल हो चुके थे, लेकिन तब भी वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो हमेशा स्पोर्ट्स के करीब रह सके। फिल भी हर रनर की तरह अपने रनिंग शूज से डीपली कनेक्टेड थे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो शूज का बिजनेस करेंगे। फिल को याद आया कि उन्होंने अपने MBA के दौरान कई हफ्तों की स्टडी की थी और रनिंग शूज के बिजनेस के ऊपर एक डिटेल्ड रिसर्च पेपर लिखा था। रिसर्च में उन्हें पता चला कि जापानीज कैमरा कंपनीज ने अपनी बेटर क्वालिटी और लो प्राइस के चलते अमेरिकन कैमरा मार्केट को डिसरप्ट कर दिया था, और उनके रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग जापानीज शूज भी सिमिलरली USA के शूज मार्केट को डिसरप्ट कर सकते थे और उस टाइम की सबसे बड़ी कंपनीज एडिडास और प्यूमा को ओवरटेक कर सकते थे। अपने इस कॉलेज प्रोजेक्ट के बेसिस पे पूरा बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन फिल के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जापान से टाइगर ब्रांड के शूज को इंपोर्ट करके USA में बेचेंगे। टाइगर के शूज ओनित्सो का नाम की जापानीज कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी, इसीलिए फिल ने अपनी पूरी सेविंग्स इकट्ठा की और फ्लाइट लेके जापान के लिए निकल पड़े। और फाइनली जापान पहुंच के उन्होंने ओनित्सो के ऑफिस में कॉल करके एक अपॉइंटमेंट ले ली। मीटिंग से पहले वो काफी नर्वस थे। एक यंग लड़का जो नेचर से काफी शाय और इंट्रोवर्टेड था, वो सडनली जापान की एक बहुत बड़ी शू कंपनी से पार्टनरशिप करने निकल पड़ा था। ऊपर से ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव ने मीटिंग की शुरुआत में ही फिल से उनकी कंपनी का नाम पूछ लिया। पता नहीं कैसे, लेकिन फिल के दिमाग में उनके घर में रखे ब्लू रिबन्स की इमेज आई, वही ब्लू रिबन्स जो उन्होंने कई रेसेस जीत के हासिल किए थे। और फिल के मुंह से सडनली ब्लू रिबन निकल गया। उन्होंने कहा कि वो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम की कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव्स इस नाम को सुनकर खुश थे। मीटिंग आगे बढ़ी और फिल ने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट को लाइन बाय लाइन रिपीट कर दिया। एंड में ओनित्सुका एम्प्लॉयज इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने खुद फिल से कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी ब्लू रिबन अमेरिका में टाइगर के शूज बेचे। इट वॉज अ डील। फिल ने उन्हें अपना एड्रेस दिया और उन्हें टाइगर के कुछ ट्रेनिंग शूज के सैंपल्स भेजने को कहा। फिल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने ओनित्सुका को शू सैंपल्स के पैसे ट्रांसफर किए और अमेरिका लौट के सैंपल्स का इंतजार करने लगे, लेकिन पूरे 4 महीने बीत गए और कोई शूज नहीं आए। फिल के लेटर के जवाब में ओनित्सुका ने कहा कि शूज जल्द ही आ जाएंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। फिल ने अभी भी होप नहीं छोड़ी थी, लेकिन शूज के आने तक उन्हें सर्वाइव करने के लिए एक जॉब चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने एक छोटी सी फर्म में अकाउंटेंट की जॉब ले ली। ओनित्सुका से मीटिंग को अब ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके थे और फिल ने ऑलमोस्ट होप खो दी थी कि तभी कस्टम से एक नोटिस आया। जापान से टाइगर के 12 शूज आ चुके थे। फिल ने शूज को कलेक्ट करने के बाद उन्हें बिना रुके अनबॉक्स किया और सबसे पहले ये शूज अपने कॉलेज के कोच बिल बोवरमैन को दिखाए और अपने बिजनेस प्लान के बारे में भी बताया। बोवरमैन को वो शूज इतने पसंद आए कि अगले ही दिन उन्होंने फिल को सीधा 50% बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर दे दिया। इस ऑफर से फिल काफी सरप्राइज थे। अपने पूरे कोचिंग करियर के दौरान बिल बोवरमैन अगर किसी एक चीज से सबसे ज्यादा ऑब्सेस थे तो वो थे शूज। सालों से शूज के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते वो शू डिजाइन में एक एक्सपर्ट बन चुके थे। उनका पूरा फोकस शूज को हल्का बनाने में रहता था। वो अक्सर बिना पूछे अपने स्टूडेंट्स के शूज ले लेते थे और उन शूज को टियर करके उनमें कई दिन तक माइनर मॉडिफिकेशंस करने के बाद वापस करते थे, और सच में उनके इन मॉडिफिकेशंस के बाद एथलीट्स की परफॉर्मेंस मैसिवली इंप्रूव होती थी। साथ में बिल बोवरमैन एक जीनियस कोच और एक नेचुरल लीडर भी थे।
फिल और बाकी रनर्स के लिए वो एक गॉड लाइक फिगर थे और आज वही गॉड लाइक फिगर फिल का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। इट वॉज अ नो ब्रेनर। फिल ने बोवरमैन से हाथ मिलाया और अब वो दोनों 50-50 पार्टनर्स थे। फिल ने उसी दिन ओनित्सुका को एक लेटर लिखा और टाइगर शूज बेचने के लिए वेस्टर्न यूएसए की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स मांगे। साथ में $1,000 की टोटल कॉस्ट पे 300 शूज का पहला ऑर्डर भी दिया। इस बार शूज टाइम पे आ गए और साथ में ब्लू रिबन को वेस्ट यूएसए की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स भी मिल गए। फिल को इसी का इंतजार था। उन्होंने तुरंत अपनी अकाउंटिंग की जॉब छोड़ दी ताकि वो पूरा फोकस बिजनेस में कर सकें। उन्होंने शूज को अपने पेरेंट्स के घर के बेसमेंट में स्टोर किया और अब यही ब्लू रिबन का ऑफिस था। अब बारी थी इन शूज को बेचने की। फिल ने कई स्पोर्ट्स शॉप्स को टाइगर के शूज सेल करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन सभी ने अपनी शॉप में टाइगर के शूज रखने से मना कर दिया। फिल के पास खुद की शॉप खोलने के पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जुगाड़ लगाया। वो अपनी कार की डिक्की में शू बॉक्सेस को भर के जहां भी कोई एथलेटिक कंपटीशन होता वहां पहुंचने लगे। वो रेस के बाद कोचेस, एथलीट्स और स्पेक्टेटर से बात करते हुए अपने शूज प्रेजेंट करने लगे। फिल ने पहले भी सेल्स की जॉब ट्राई की थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे, लेकिन इस बार कस्टमर्स के रिस्पॉन्स ने खुद फिल को भी शॉक कर दिया। उनके शूज हाथों हाथ बिक रहे थे। वो खुद एक एथलीट रह चुके थे और इसीलिए एथलीट्स की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझते थे, इसीलिए वो कस्टमर्स को इजिली कन्विंस कर पा रहे थे कि टाइगर के शूज उनके लिए बेस्ट हैं। केवल 2 महीनों में उन्होंने 300 पेयर्स की पहली शिपमेंट बेच दी और इस बार सीधा 900 टाइगर शूज का ऑर्डर दे दिया। लेकिन उनकी टोटल कमाई केवल $2,000 हुई थी और ऑर्डर का टोटल कॉस्ट $3,000 था, इसीलिए फिल ने पहली बार बैंक से $1,000 का लोन मांगा। बैंक ने भी ब्लू रिबन के स्ट्रॉन्ग बिजनेस को देखते हुए लोन अप्रूव कर दिया। फिल के पास अब फाइनली एक ऐसा करियर था जिसे वो डीपली एंजॉय कर रहे थे। बिल बोवरमैन जैसा एक ट्रस्टेड पार्टनर था और एक ऐसा प्रोडक्ट था जो अपने आप बिक रहा था। इन शॉर्ट, फिल वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। फिल के नाम पे एक लेटर आया। ये लेटर एक रेसलिंग कोच ने लिखा था। ये कोच क्लेम कर रहा था कि वो रिसेंटली जापान में ओनित्सुका से मीटिंग करके लौटा है और ओनित्सुका ने उसे टाइगर शूज के लिए पूरे अमेरिका की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स दे दी हैं। उस कोच ने फिल को इमीडिएटली टाइगर शूज का बिजनेस बंद करने का ऑर्डर दिया। फिल के बिजनेस को केवल 2 महीने ही हुए थे कि अब वो बंद होने की कगार पे आ चुका था। उन्होंने तुरंत ओनित्सुका को क्लेरिफिकेशन मांगते हुए एक लेटर लिखा, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। इसीलिए फिल ने डिसाइड किया कि वो जापान जाएंगे और ओनित्सुका को कन्फ्रंट करेंगे। फिल ने अपनी मीटिंग के दौरान साफ किया कि कैसे उनके साथ गलत हुआ है। उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग सेल्स का आर्ग्यूमेंट दिया और फ्यूचर प्लान्स भी समझाए। अगले दिन उनकी मीटिंग सीधा कंपनी के ओनर मिस्टर ओनित्सुका से हुई और फिल से मिलते ही ना जाने कैसे, लेकिन उन्हें फिल पे ट्रस्ट हो गया। मिस्टर ओनित्सुका ने कहा कि फिल का पैशन उन्हें उनके यंग डेज की याद दिलाता है और इसी के साथ उन्होंने फिल को वापस वेस्टर्न यूएसए की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी। फिल वॉज रिलीव्ड, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई थी। बिजनेस का पहला साल कंप्लीट होने के बाद ब्लू रिबन ने $8,000 की सेल्स की थी और उन्होंने दूसरी सिटी में एक्सपेंड करने के लिए जेफ जॉनसन नाम का एक सेल्समैन भी हायर कर लिया था। जेफ की खासियत यह थी कि वो भी फिल की तरह एक एथलीट रह चुका था और अपने काम को लेकर एक्सट्रीमली पैशनेट था और इसीलिए बिजनेस के दूसरे ही साल की सेल्स $16,000 यानी सीधा डबल होने वाली थी। लेकिन सरप्राइजिंगली यही उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। फिल बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते थे, इसीलिए वो ओनित्सुका की एक शिपमेंट के पूरे बिकते ही नेक्स्ट ऑर्डर डबल या इवन ट्रिपल क्वांटिटी का दे देते थे और इस ऑर्डर की पेमेंट के लिए उन्हें अपने पूरे प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट तो करना ही पड़ता था, साथ में बैंक से लोन भी लेना पड़ता था। बेसिकली एक साल के बिजनेस के बाद ब्लू रिबन पे $1,000s का लोन चढ़ चुका था और कैश फ्लो नेगेटिव था। इसी के चलते बैंक्स ने फिल को और लोन देने से मना कर दिया और सडनली बिजनेस को चलाने के लिए कैश था ही नहीं। ब्लू रिबन के सर्वाइवल के लिए फिल को कैसे भी पैसों का इंतजाम करना था, इसीलिए फिल ने वापस से एक अकाउंटेंट की जॉब ले ली, इस बार PwC में। वो अपनी पूरी सैलरी बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगे। दूसरी तरफ उनके पार्टनर बिल बोवरमैन टाइगर के शूज को बेटर बनाने पे काम कर रहे थे। बोवरमैन ने रियलाइज किया कि अमेरिकन्स की बॉडी जापानीज के कंपैरिजन में ज्यादा लंबी और हैवी होती है, इसीलिए उनके शूज भी डिफरेंट होने चाहिए। बोवरमैन ने टाइगर के शूज को भी टियर करके उनपे कई एक्सपेरिमेंट्स किए। टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने टाइगर के ही अलग अलग शूज के बेस्ट फीचर्स को मिला के अमेरिकन्स के लिए एक अल्टीमेट डिस्टेंस ट्रेनिंग शू डिजाइन किया। उन्होंने शूज का नाम कॉर्टेज रखा। ओनित्सुका ने कॉर्टेज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और ये शूज अमेरिकन मार्केट में आते ही सुपर सक्सेसफुल हो गए।
फिल के मैनेजमेंट और बोवरमैन के शू डिजाइन के चलते अगले 5 सालों में पूरे अमेरिका में टाइगर शूज वन ऑफ द टॉप शू ब्रांड बन चुके थे। 1971 तक सेल्स 1.3 मिलियन टच कर चुकी थी और बिजनेस हर साल डबल हो रहा था। और इसी के साथ फिल ने अपनी जॉब क्विट करके ब्लू रिबन को फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली चल रहा था कि तभी जापान से एक बहुत बड़ा झटका आता है। ब्लू रिबन की सक्सेस को देख के ओनित्सुका के अंदर लालच आ गया। वो अब टाइगर के शूज से होने वाली पूरी कमाई खुद रखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने फिल को एक अल्टीमेटम दे दिया। अगर फिल ने ब्लू रिबन का 51% स्टेक ओनित्सुका को नहीं बेचा तो वो किसी और को अमेरिका की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देंगे। फिल काफी शॉक्ड और हर्ट फील कर रहे थे। ये उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। ब्लू रिबन को खरीदने की बात करके ओनित्सुका ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी और इसीलिए फिल ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। फिल ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि ये वो मूवमेंट है जिसका हम सब अंदर ही अंदर वेट कर रहे थे। किसी और के ब्रांड को बेचने का टाइम अब खत्म हो चुका है, अब टाइम है अपना खुद का ब्रांड बनाने का। इसी के साथ उन्होंने ओनित्सुका से पार्टनरशिप तोड़ दी और अब खुद के ब्रांड के शूज मैन्युफैक्चर करने की ठान ली। सबसे पहला स्टेप था एक नया लोगो बनाना। फिल चाहते थे कि उनके शू ब्रांड का लोगो एथलीट्स के अंदर एक सेंस ऑफ रनिंग, सेंस ऑफ मोशन और सेंस ऑफ विक्ट्री जगाए। प्लस वो लोगो ऐसा होना चाहिए जो शू के साइड में फिट हो सके। उन्होंने लोगो डिजाइन के लिए एक ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट को हायर कर लिया। कुछ दिन बाद उस स्टूडेंट ने कई डिजाइन दिखाए। इम्प्लॉयज ने उनमें से एक कर्व्ड और थिक चेकमार्क जैसा दिखने वाला लोगो सिलेक्ट किया। फिल ने उस ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट को उसकी हेल्प के लिए थैंक किया और $35 की फी पे कर दी। लोगों के बाद अब अगला स्टेप था ब्रांड का नाम चुनना। फैल्कन और डायमेंशन 6 जैसे कई नाम सजेस्ट किए गए, लेकिन फिर कंपनी के पहले सेल्समैन जेफ जॉनसन ने सबको बताया कि लास्ट नाइट उनके सपने में एक बहुत ही अच्छा नाम आया है और वो नाम था नाइकी। ग्रीक में विक्ट्री की गॉडेस को नाइकी कहा जाता है, इसीलिए यह नाम सूटेबल था और एक्सेप्ट भी कर लिया गया। इसके बाद फिल ने एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को शूज बनाने के लिए हायर कर लिया। नाइकी ने उन्हें डिजाइंस भेजे और शूज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। और फाइनली 30th May 1971 को नाइकी ब्रांड के शूज पूरी दुनिया के लिए ऑफिशियली लॉन्च हो गए। लेकिन अनलाइक टुडे, उस समय नाइकी को कोई नहीं जानता था। प्लस एडिडास, प्यूमा और अब खुद टाइगर जैसे ब्रांड्स नाइकी के लिए बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स थे जो किसी भी नई ब्रांड को क्रश करने के काबिल थे। इसीलिए फिल ने नाइकी की मार्केटिंग के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी यूज की जो 1970s में कोई नहीं कर रहा था। उन्होंने देखा कि दूसरे रनर्स उसी ब्रांड के शूज पहनना पसंद करते थे जिस ब्रांड के शूज वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स पहनते थे। इसीलिए नाइकी ने उस समय के बेस्ट रनर स्टीव प्रीफोंटेन के साथ एनुअली $5,000 की डील की नाइकी को प्रमोट करने के लिए। और इसी के साथ नाइकी सबसे पहली ब्रांड्स में से एक बन गई जिसने एथलेटिक्स ब्रांड एंडोर्समेंट्स को एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज किया। फिल की दूसरी स्ट्रेटजी थी अपनी सेल्स टीम को स्ट्रेटजिकली चुनना। नाइकी की सेल्स टीम में हमेशा ऐसे लोगों को हायर किया जाता था जो या तो खुद एथलीट्स रह चुके थे या फिर एथलेटिक्स के लिए बहुत पैशनेट थे। इससे होता यह था कि सेल्स टीम अपने कस्टमर्स जो मोस्टली एथलीट्स थे उनकी प्रॉब्लम्स और नीड्स को अच्छे से समझ पाते थे, जिससे अल्टीमेटली प्रोडक्ट डिजाइन, सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विस की क्वालिटी बहुत बढ़ जाती थी। इन दो स्ट्रेटजीज के अलावा फिल ने अपना एक्सपीरियंस, पुराना कस्टमर बेस और बोवरमैन के शू डिजाइंस का फायदा उठा के नाइकी को ग्रो किया। एज अ रिजल्ट 1980 तक नाइकी 2700 एम्प्लॉयज की टीम बन चुकी थी, $270 मिलियन की सेल्स टच कर ली थी और एडिडास को बीट करके यूएसए की सबसे बड़ी एथलेटिक शू कंपनी बन चुकी थी। फिल को फाइनली लगने लगा कि उन्होंने पूरे यूएसए की सबसे स्ट्रॉन्ग एथलेटिक्स ब्रांड बना ली है। लेकिन फिर एंट्री हुई एक ऐसी कंपनी की जिसने नाइकी को हिला के रख दिया और वो कंपनी थी रीबॉक। नाइकी का मेन फोकस हमेशा से अपने शूज को स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट बनाने का था। लुक्स और स्टाइल उनका फोकस कभी भी नहीं था। लेकिन 1980s में फैशन ट्रेंड और एथलेटिक शूज के टेस्ट में एक मेजर चेंज आया। अब लोगों को केवल एक स्ट्रॉन्ग और बेटर परफॉर्मेंस वाला शू नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था एक ऐसा शू जो परफॉर्मेंस के साथ साथ लुक्स में अट्रैक्टिव और स्टाइलिश हो, और रीबॉक ने कस्टमर्स को वही दिया। इवेंचुअली कस्टमर्स का नाइकी से कनेक्शन टूटने लगा। कंपनी को पहली बार लॉस हुआ और कई एम्प्लॉयज तक को ले ऑफ करना पड़ा। 1986 में रीबॉक नाइकी को सरपास करके यूएसए की सबसे बड़ी एथलेटिक शू कंपनी बन गई। नाइकी को अब सर्वाइव और ग्रो करने के लिए जल्द ही कुछ मैजिकल करना था और इस काम के लिए नाइकी ने चुना एक मैजिकल बास्केटबॉल प्लेयर को, माइकल जॉर्डन।
माइकल जॉर्डन उस समय एक इमर्जिंग प्लेयर थे और फिल को मालूम था कि वो फ्यूचर में बास्केटबॉल के सबसे बड़े सबसे लेजेंडरी प्लेयर बनने के काबिल हैं। इसीलिए नाइकी ने माइकल जॉर्डन को एज ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया। साथ में नाइकी ने माइकल जॉर्डन के नाम पे एयर जॉर्डन नाम के बास्केटबॉल स्नीकर्स भी लॉन्च किए। एयर जॉर्डन से पहले बास्केटबॉल शूज काफी ऑर्डिनरी और बोरिंग होते थे, लेकिन एयर जॉर्डन ने अपने बोल्ड कलर्स और स्टाइलिश डिजाइन के साथ बास्केटबॉल शूज के ट्रेंड को रातों रात बदल दिया। एयर जॉर्डन वो हिस्टोरिकल शूज बने जिसने पूरे वर्ल्ड में स्नीकर कल्चर की शुरुआत की। ऑल्सो उस समय माइकल जॉर्डन भी फिनोमिनल फॉर्म में थे। माइकल इन शूज को गेम्स के दौरान पहन के तो प्रमोट करते ही थे, साथ में नाइकी ने माइकल के साथ इन शूज के एड्स भी निकाले थे। It's all in the imagination. इन सभी के कारण एयर जॉर्डन परफॉर्मेंस और स्टाइल का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन के सामने आए। लॉन्च के पहले ही साल नाइकी ने $100 million के एयर जॉर्डन बेचे और फाइनली रीबॉक को वापस ओवरटेक कर लिया। इस सक्सेस के बाद नाइकी कभी नहीं रुका। 1990s में उन्होंने ग्लोबली एक्सपेंड किया, एक के बाद एक कंट्रीज को कॉन्कर करते चले गए। शूज के अलावा बाकी स्पोर्ट्स वेयर में एंट्री ली और आज के दिन करीब 12 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ नाइकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है। फिल और नाइकी की जर्नी सच में फिनोमिनल है और इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है एग्जीक्यूशन। फिल ने अपनी बुक शू डॉग में कहा है, लेट एवरीवन एल्स कॉल योर आइडिया क्रेजी, जस्ट कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, डोंट इवन थिंक अबाउट स्टॉपिंग अंटिल यू गेट देयर। मतलब चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर आप किसी आइडिया को लेकर पैशनेट हो तो कैलकुलेटेड रिस्क लो और उसे एग्जीक्यूट करो। नाइकी की टैगलाइन भी यही कहती है, जस्ट डू इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।